गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द पोएम केयरिंग हार्ट। लेसन नंबर वन, इट्स नॉट हार्ड टू हैव अ केयरिंग हार्ट, फॉर इन एवरीथिंग दैट यू से और डू, थिंक अबाउट अदर्स एंड नॉट ओनली अबाउट यू, लर्न टू बी काइंड टू एवरी वन अराउंड, टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फ्रेंड्स एंड एल्डर्स, वेदर इन द क्लासरूम और इन द प्लेग्राउंड। First of all, I will tell you the meaning of hard. It's difficult. Caring means thoughtful. Respectful means humble. इस poem में जो poet है वो क्या बोल रहा है कि ये मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी एक thoughtful heart होना, जो भी आप करते हो या बोलते हो, और हमेशा अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और हमेशा काइंड होना सीखो जो आपके आसपास है, और हमेशा हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स की तरफ, और वेदर इन द क्लासरूम, चाहे वो क्लासरूम में है चाहे वो प्लेग्राउंड में है। ट्राई नेवर टू फॉरगेट टू आस्क हाउ यू आर डूइंग, फॉर इट विल नॉट हर्ट टू शो सम लव बाय शोइंग, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Don't delay, just start putting these words into action to have and to hold a caring heart. हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए, और you are is the short form of you are, and पूछना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और ये किसी को भी hurt नहीं करता। और जब हम प्यार के जो बीज हैं जब वो हम फैलाते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होता। और सो आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, इसको डिले मत कीजिए। डिले मीन्स किसी काम को पोस्टपोन करना, काम शुरू कर दो। और ये शब्द जो हैं जब इनको हम एक्शन में डालते हैं, जब टास्क में डालते हैं, तो ये इसको, और ये बहुत ज़रूरी है। और अपने हमारे पास एक केयरिंग हार्ट मीन्स, केयरिंग हार्ट मीन्स थॉटफुल हार्ट होना। और दिस पोइम इज रिटन बाय सैरन लेडर, दिस द पोएट इज सैरन।